महासचिव भारतीय आइस हॉकी एसोसिएशन और श्री रविंदन पीटीए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और सीनियर ऑफिसर्स आशीर्वादी के बाद आशीर्वादी आगे बढ़ाना चाहते थे, यहाँ पर हल्की सी चूक हो गई है। हम छह नंबर की जर्सी पहने हुए नवाज अली से लेकिन वहां उनके साथ ही प्लेयर यंग जो और कुछ कर नहीं पाए। फिर एक बार यहाँ पर काफी कश्मकश, काफी युवा प्लेयर्स है यहाँ पर चंडीगढ़ की टीम में, लेकिन अच्छा खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं अब तक दोनों ही टीमें। शून्य शून्य बहुत समय देखना होगा कौन सी टीम पहले गोल कर पाती है। चौदह नंबर की जर्सी पर महमूद अली बाबा, अच्छा पास दर्जे के बाद दर्जे इस समय पक्को ऐसा ऐसा आगे बढ़ाते हुए गोल पोस्ट के काफी नजदीक आना चाहते हैं लेकिन छीनने में कामयाब हुआ चौकन्ना थे चंडीगढ़ की टीम के प्लेयर पास करते अपने साथी प्लेयर के पास गोल पोस्ट के पीछे से घुमा के लाते हुए अच्छा पास लेकिन यहाँ पर सीधे ही का अच्छा पास करते अपने साथी प्लेयर रिंचन के पास। ये काफी नजदीक होता है खेल और ये पहला गोल अपने नाम करने में कामयाब हो गई आर्मी की टीम। 1-0 है इस समय स्कोर। शरीफ को गोल करेगा, देखते हैं गोल कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन वहां पे डिफेंडर द्वारा पक्को वापस खेलने में कामयाब हुए। चंडीगढ़ के प्लेयर के पास एक लंबी करते हुए अटैकिंग जोन के अंदर यहाँ पे मौका मिल सकता है आर्मी के लिए एक सुंदर शॉट, लेकिन अब के लिए तैयार होते हुए दोनों हुई टीमें। आज का रेफरी जैसन लदाख विंटर सपोर्ट और अच्छा काउंटर अटैक करते हुए दोबारा फिर से अच्छा शॉट एक सेफ शॉट मारते हुए गोल के अंदर डालने में सफर हुए आर्मी के प्लेयर। तो इस तरह से आर्मी का हल्की रिमांड और पास करना चाहते थे अपने साथी प्लेयर को लेकिन सीधा डिफेंडर के पास एक लंबा शॉट लेकिन सीधा आर्मी के प्लेयर के पास भी मौका बन सकता है। यहाँ पर खतरा भी टला नहीं, यहाँ पे बैठे को कर बैठे कि नहीं, लेकिन डिफेंडर तो रहेगा अच्छा बचाव, यकीनी तौर पर यह गोल हो सकता था। एक बार फिर यहां पे आर्मी के प्लेयर के पास एक अच्छा शॉट लेफ्ट कॉर्नर की जानिब लेकिन उसे कल करता सफर में एक अभी यह लंबा शॉट फिर से मौका बना था आर्मी टीम ने इस तरह से एक बढ़िया शॉट गोलकीपर का जीतते हुए गोल करने में सफर है। तो इस तरह से तीसरा गोल आर्मी